नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। क्यूट एंड टैलेंटेड परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दे चुकी हैं। परिणीति अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में काफी फेमस हैं। परिणीति अपनी हर फिल्म में डिफरेंट रोल में नजर आती हैं। आइए जानते हैं परिणीति चोपड़ा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। क्यूट एंड टैलेंटेड परिणीति चोपड़ा बेहद बुद्धिमान और होशियार भी हैं। उन्हें प्यार से परी भी कहा जाता है। परिणीति के नाम कई सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। परिणीति का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ। परिणीति चोपड़ा के पिता एक बिजनेसमैन हैं और साथ ही वो अंबाला कैंटोनमेंट के भारतीय सेना को जरूरी सामान भेजने का भी काम करते हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और मीरा चोपड़ा उनकी बहनें हैं। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई अंबाला कैंटोनमेंट के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में पूरी की। जब वो छोटी थी तब से ही उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने दूसरे देशों में भी जाकर पढ़ाई की। उन्होंने बड़े होने के बाद बिजनेस फाइनेंस और अर्थशास्त्र में डिग्री भी हासिल की। उनकी एक और खास बात है कि वो फिल्मों में हिट होने से पहले नौकरी भी करती थी। 2009 में आई आर्थिक मंदी की वजह से उन्हें भारत वापस आना पड़ा और वो अपनी बहन प्रियंका के साथ रहने के लिए मुंबई चली गई थी। जब प्रियंका चोपड़ा यशराज फिल्म्स स्टूडियो गई थी तो उन्होंने परिणीति को स्टूडियो के सबसे अहम इंसान से मिलवाया। उस कंपनी में उन्हें मार्केटिंग विभाग में एक सलाहकार के रूप में नौकरी मिली। साथ ही उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलता था, लेकिन वो फिल्मी जगत से बिल्कुल विपरीत थीं। उन्हें एक्टर और उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे वो अभिनेता के साथ काम करने के तरीके देखती और उनकी इस काम में लगन देखकर परिणीति का फिल्म जगत के प्रति देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया और तब से उनकी नजर में फिल्म जगत के लिए सम्मान बढ़ गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2011 में रणवीर सिंह के साथ रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से की थी और बॉक्स ऑफिस पर वो काफी अच्छी चली भी थी। उनके इस अभिनय के लिए उनकी बहुत तारीफ की गई और साथ ही उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामित भी किया गया। आपको बता दें कि परिणीति एक बहुत अच्छी सिंगर हैं और उन्होंने सिंगिंग में डिग्री भी हासिल की है। उन्हें महंगे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनने पर ही जोर देती हैं, फिर चाहे वो कपड़े महंगे हों या फिर सस्ते। वो स्कूल के दिनों में काफी पढ़ाई करती थी और 10वीं की परीक्षा में पूरे देश में पहले नंबर पर आई थी और तब उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पुरस्कार भी दिया था। इस पुरस्कार का नाम है हाथों। 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल फिल्म के लिए, 2012 में परिणीति चोपड़ा को अर्जुन कपूर के साथ आई फिल्म इशक ज़ादे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। परिणीति की लगभग सभी फिल्में पसंद आई दर्शकों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।